तो अगला टॉपिक हमारा था एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पोलर बियर ने पढ़ा था कि पोलर बियर को ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एडेप्टेशन में हेल्प करती हैं उस ठंडे क्लाइमेट में। और अगला है पेंगुइन। पेंगुइन इज़ एन एनिमल विच लीव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। तो आपको पता ही है कि पेंगुइन एक बहुत ठंडे जगह पर रहता है जो कि साउथ पोलर रीजन है, जो कि उसको साउथ पोल भी हम लोग कहते हैं। पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन एक सी बर्ड तो है पर वो फ्लाई नहीं कर सकता। पेंगुइन हंट फिश विच दे ईट एज फूड। पेंगुइन कैन लिव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन ड्यू टू फॉलोइंग एडेप्टेशन। तो यहाँ बात है कि पेंगुइन क्या खाता है, मछली खाता है, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पर वो फ्लाई नहीं कर सकता और जो एडेप्टेशन उसको ज़रूरी हैं वो अब हम आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। यहाँ पे पांच चार ऐसे पॉइंट दिए गए हैं एडेप्टेशन के जिसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला बात कलर। तो कलर किस चीज़ में हेल्प करता है पेंगुइन को? तो पहला बात, आप लोगों ने पोलर बियर में ही पढ़ा होगा कि उसका वाइट कलर जो है वो उनसे हेल्प करता है वो अपने शिकार को पकड़ने में। वैसे इनके कलर वाइट एंड ब्लैक होते हैं पर फिर भी ये वहाँ के बर्फ़ से मतलब छिप जाते हैं। ठीक है, अक्सर जो एनिमल होते हैं वहाँ पे पोलर रीजन में वो या तो फुल ब्लैक ही होते हैं या तो फुल वाइट ही होते हैं, और पेंगुइन जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट मिक्स होते हैं। सेकेंड है थिक लेयर ऑफ़ फैट, जो आपने पोलर बियर में भी पढ़ा था। थिक लेयर ऑफ़ फैट क्या होता है? उनके स्किन के अंदर एक बहुत मोटा लेयर होता है फैट का, ठीक है, जिसके कारण वो उसको गर्म रखता है। लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स। यहाँ एक बुक में आपको फ़ोटो भी दी गई है ऊपर के साइड, खैर मैं दिखा नहीं रहा उसको। तो लीव टुगेदर इन लार्ज नंबर मतलब वो लोग साथ में रहते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा ठंडी में अगर एक ही रूम में तीन चार पाँच आदमी बैठे हैं, वो भी एक ही कंबल या रजाई में, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब वो एरिया गर्म गर्म थोड़ा सा रहता है। यही रीज़न है कि वो लोग बहुत ज़्यादा झुंड में रहते हैं जिसके कारण उन्हें कम ठंडी लगती है। चौथा है स्ट्रीम लाइन बॉडी। उनका बॉडी का जो शेप होता है वो कुछ इस ढंग का होता है, और उनके जो विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ तो नहीं सकते पर उनको वो तैरने में मदद करते हैं। और वेब्ड फीट, उनका जो फीट होता है, जैसे पोलर बियर का फीट बहुत बड़ा बड़ा होता है वैसे ही उनका भी होता है, ताकि वो बर्फ़ पे आसानी से चल सके। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी, फ्लिपर लाइक विंग्स, वेब्ड फीट, ये तीनों क्या करते हैं? उन्हें तैरने में मदद करते हैं और उन्हें मछली पकड़ने में मदद करते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी फिश के भी होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है, वही स्ट्रीम लाइन बॉडी है यहाँ पे। अब अगले और कुछ जानवर्स के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ फोटो देख लेते हैं आप कि कितने झुंड में यहाँ पे पेंगुइन रहते हैं, और बहुत सारे जानवर जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे ऑक्सन, रेनडियर, आर्टिक फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड मैनी काइंड ऑफ फिश एंड बर्ड्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा, अगला टर्म आता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ बर्ड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीजन एंड रिटर्न्स अगेन इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर एज टू सर्वाइव। तो यहाँ माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन होता है जब कोई बर्ड, ठीक है, मेनली बर्ड ही माइग्रेट करते हैं, ठीक है, आगे साइबेरियन क्रेन और ये दोनों माइग्रेटरी बर्ड का नाम होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि समर सीजन में, मान लीजिए मार्च अप्रैल के टाइम में ये आपके यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आपके घर के अगल बगल रह रहे हैं, और जैसे ही अक्टूबर नवंबर ठंडी आती है ये दूसरी जगह चले जाते हैं अर्थ के जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मतलब ठंडी ना हो, ठीक है, और वापस से जब वहाँ पे ठंडी होती है तो वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब ये अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ये उस जगह को ही चेंज कर लेते हैं, उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, अपने नॉर्मल हैबिटेट में चले जाते हैं। इसको भी हम लोग एक एज अ एडेप्टेशन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे हम द बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव वेन द विंटर सेट्स इन कोल्ड रीजन। वही चीज़ है कि कोल्ड रीजन में जब विंटर सेट होता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं कोई गर्म जगह, वार्मर प्लेस पे, और जब वार्मर प्लेस में वापस से ठंड आती है तो वो उसी जगह वापस आ जाते हैं। द बर्ड विच माइग्रेट फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो बर्ड्स जो भी अपना जो ट्रैवल करते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, उन्हें हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम द वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इंडिया में बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो कि वह कोल्ड रीजन से अर्थ के आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड इन इंडिया इज साइबेरियन क्रेन। मैंने आपको पहले ही कुछ देर पहले बोला था कि साइबेरियन क्रेन बहुत ही फेमस माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इंडिया आता है। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया।
विच इज़ वेरी कोल्ड प्लेस. वेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर कम्स वार्मर प्लेस इन इंडिया सच एज भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर. तो ये चीज़ आपको समझ आया कि साइबेरिया में जब वो लोग रहते हैं तो साइबेरिया में जब ठंड गिरती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका हो जाता है. उससे बचने के लिए वो हज़ारों किलोमीटर उड़ के आते हैं. कहाँ पे? राजस्थान के एरिया में, गुजरात के एरिया में. ठीक है, अगला है हमारा उसी में आगे, हरियाणा. सम वेट लैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया साइबेरियन क्रेन स्टे इन द वार्मर प्लेस. तो ये सब बताया गया कि साइबेरियन क्रेन कहाँ कहाँ रहते हैं. द एडेप्टेशन ऑफ माइग्रेशन इन साइबेरियन क्रेन इज टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर कंडीशन इन साइबेरिया सर्वाइव टू द मूविंग वार्मर रीजन. वही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड ट्रैवल टू द सेम प्लेस आफ्टर एवरी ईयर. तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि सेम प्लेस पे वो कैसे आ जाते हैं, मतलब उनको रास्ता कैसे याद हो जाता है. ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं. उससे पहले यहाँ एक पॉइंट है, सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स. तो मतलब सोचिए 15,000 किलोमीटर वो लोग उड़ के ट्रैवल कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है, अगला है, इट सीम दैट माइग्रेटरी बर्ड हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन विच टेल्स देम इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई टू रीच द सेम प्लेस. तो उनके अंदर ऐसा कुछ कंपस टाइप का खुद में उनका ब्रेन बहुत तेज़ होता है जिसमें उनको डायरेक्शन याद रहता है कि उनको कहाँ जाना है गर्मी लेने के लिए, ठंड से बचने के लिए. सम माइग्रेटरी बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम. जैसे लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पूछा कि आपका घर कहाँ है तो आपने जनरली घर का एड्रेस बताया है, पर बहुत लोग उस चीज़ से नहीं जान पाते हैं. पर अगल बगल अगर आपके बहुत बड़ा हॉस्पिटल या फिर स्कूल है तो उससे आप लोग का घर पहचाना जा सकता है. जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा घर यहाँ है डैश डैश कुछ भी एड्रेस बता दिए, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया, तो बोलेंगे आप डीएवी स्कूल देखे हैं वहाँ का, हाँ तो डीएवी स्कूल के बगल में ही मेरा घर है. तो आपका लैंडमार्क क्या हो गया, वो डीएवी स्कूल आपका लैंडमार्क हो गया. वैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत सारा लैंडमार्क खुद से सेट करके आते होंगे. मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ सन ड्यूरिंग द डे एंड सन से वो अपना पोजीशन नापते होंगे. ये सारे जो है एजम्पशन है, सोचा समझा चीज़ है कि इन सारी चीज़ों को देख के वो आते होंगे. देर इज़ ऑल्सो सम एविडेंस दैट माइग्रेटरी बर्ड मे यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन. तो आप मैग्नेट अर्थ में ना एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि आप अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे, तो वो मेन बात है कि उसका भी यूज़ करके शायद वो लोग आ सकते हैं. इवन मैमल मैनी टाइप ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई आर नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फूड. और यहाँ पर और बताया गया है कि बहुत सारे मैमल्स लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी माइग्रेशन करते हैं. ये सिर्फ बर्ड्स के बारे में ऊपर का था, पर ये लोग मैमल लोग का बात है. फॉर एग्जाम्पल, रेनडियर इज़ अ मैमल विच माइग्रेट्स. रेनडियर लिव्स इन हर्ड इन कोल्ड एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दे फीड ऑन ग्रास एंड शर्ब्स इन समर. ड्यूरिंग विंटर वेन द स्नो फॉल ऑकर ऑल द ग्रास एंड शर्ब बरीड इन स्नो, रेनडियर डू नॉट गेट एनी फूड. ड्यू टू दिस रेनडियर माइग्रेट फ्रॉम द वार्मर रीजन इन द साउथ वेयर दे गेट सफिशियंट फूड. तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे. ये रेनडियर क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ वो जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, अगर ठंडी के दिन में जब बर्फ़ गिरती है तो उनका घास सब छुप जाता है जिसके कारण वो खाना नहीं खा पाते हैं. इसलिए वो ट्रैवल करते हैं समर एरिया में और वहाँ पे वो खाना खाते हैं. और अगला हमारा द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो अभी हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इसको.